सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी है क्या, वो सब ठीक है, उससे पहले हम फुल फॉर्म तो समझ लेते हैं पढ़ने के हवाले। सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ जीएसटी की, तो फुल फॉर्म आती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके जस्ट हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले मैं आपको ये जो चीज कहूंगा, देखो यहाँ पे ना दोनों ही केस में गुड्स है सर्विसेज है, मतलब ये गुड्स पे लगता है, जितना भी सामान आप बेचते खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचिंग सर्विस हो गई, एडवोकेट की होगी, सीए की होगी सर्विस जहाँ पे आ जाती है, आर्किटेक्चर की जो मतलब आप लेते हैं सर्विसेज, तो वो भी इसमें कवर हो जाती हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ों पे क्या लग जाता है, टैक्स लगता है। पता है मेजर मतलब आज इतने सालों बाद भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखते हैं, नहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, किसी सर्विस पे नहीं लग रहा है, बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज है सब पे हमारा जीएसटी एक तरह से लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, वरना पता क्या होता है बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स भी कवर पेज तक में अपनी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो जो टाइटल है, जो नेम है, एटलीस्ट वो तो आपका परफेक्ट होना चाहिए ना, इंटरनल मैटर तो बाद में बात आती है। सो वो चीज, इट इज अ टैक्स विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यूली इन इंडिया, इंडिया में अभी आया, कब से आया, 2017 में आया था ये, ठीक है। सो तब से ये हमारे इंडिया में आया। चलो फुल फॉर्म देख लिया हमने, ये सब हमने देखा कि इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि कॉमन टैक्स है गुड्स और सर्विसेज के लिए, दोनों चीजों के लिए मेरा एक कॉमन टैक्स है। अभी बात इसको बेस समझते हैं, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, थोड़ा सा इसको एक इंट्रो लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, जीएसटी से पहले ना जब आप सेल परचेज करते थे जब आप सेल परचेज करते थे तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, अलग अलग वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती थी ना, हर स्टेट का अपना टैक्स, उसके अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, वो और अलग अलग रेट्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके रीजन से क्या होता था कि आपको वर्क करना है ना, तो मतलब हर एक बिजनेस सोचो, जैसे रिलायंस हो गया, तो उसके तो हर स्टेट में बिजनेस है अपना, अभी वहां पे उसको हर स्टेट के टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो इतने सारे टैक्स मेजरली अगर मैं बात करता हूँ, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी और एक हमारा एक्साइज, तो चार टैक्स तो ये नॉलेज। फिर चार टैक्स में भी अगर मैं बात करता हूँ तो हर स्टेट से रिलेटेड मुझे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेजरली इसमें वैट की नॉलेज तो मुझे हर स्टेट से रिलेटेड होनी चाहिए, अभी देखेंगे इन टैक्सेस को भी मैं समझेंगे, परेशान मत होना। सो वो सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे समझनी पड़ती थी कि ये सब चीज़ें कहाँ पे कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसके कारण कई बार क्या होता था, बाहर की जो फॉरेन कंपनीज होती थी ना, इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करती थी। इंडिया में भी छोटा बिजनेस है तो वो टेंशन में आ जाता था कि मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे एक्सपेंड करूँ, ये एक मेजर पार्ट था। प्लस उसके अलावा ना टैक्स में रिपीटेशन बहुत सारा था, टैक्स मेरा एक तरह से बढ़ रखा था। सो जीएसटी के आने के कारण मेजरली आइटम्स पे टैक्स रिड्यूस हुआ है। सो बहुत सारी चीजों के कारण उन्होंने क्या करा है, अभी हम और भी रीजंस देखेंगे, बेनिफिट्स क्या क्या हमें हुए। तो हमारा जीएसटी का जो एक इंट्रोडक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जीएसटी हमारे इंडिया में लेके आया गया है, ठीक है। अभी मतलब क्या हो गया, देखो आप जीएसटी पढ़ रहे हो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना मैं सिर्फ एक स्टेट के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, लाइक मैंने दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर सिर्फ उत्तराखंड के, नहीं, आप पढ़ रहे हो पूरे इंडिया में, कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अभी वन नेशन वन टैक्स वाला कंसेप्ट है, तो पूरे देश में आपके सिर्फ एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, डजेंट मैटर आप कौन सी लोकेशन के हो। उससे पहले सोचो कितना मुश्किल होता था, अगर मुझे आपको वैट पढ़ाना है तो दिक्कत आती थी ना, तो मैं जनरल टर्म्स पढ़ा पाता था बट डिटेल वाली टर्म्स के लिए मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, आप पढ़ो। एक चीज और, आपका कस्टमर बेस कितना बढ़ गया, अगर जैसे मैंने आपको कहा था ना वर्क करने के लिए। सो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपनी सिटी की, जैसे मैं हरिद्वार से हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि मैं हरिद्वार के क्लाइंट्स को ही हैंडल करूँ। मेरे कोई फ्रेंड है मेरा, वो दिल्ली रहता है, तो ठीक है मैं दिल्ली के फ्रेंड को भी हैंडल कर सकता हूँ, उसके वर्क को भी अपने हरिद्वार से हैंडल कर सकता हूँ। ऑनलाइन मैक्सिमम वर्क हो जाता है हमारा आज के टाइम पे, और उसके अलावा मुझे नॉलेज पता है कि भाई दिल्ली में ऐसे रूल्स लग रहे होंगे, वहाँ पे ऐसे रूल्स होंगे, क्यों देखा जाए तो पूरे इंडिया में एक ही तरीके के रूल्स हैं, ठीक, डन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर।